इसी क्रम में हमारे नेक्स्ट वैद्य आएंगे वैद्य एमपी लाल जी, ये बोकारो सेंटर पर हैं। वैद्य एमपी लाल, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं वैद्य महेश प्रसाद लाल चास बोकारो झारखंड से आया हूँ। मेरे पास एक केस आया, दीपेश कुमार 12 वर्ष का लड़का था जिसको गोचर बीमारी हो गई थी। इस गोचर बीमारी के बारे में बता दूं कि इसमें बेटा ग्लूकोसाइड एंजाइम्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट कम हो जाता है, लीवर डिजीज हो जाते हैं और विटामिन डी की कमी होती है। बेलोर भी उसका इलाज चला, वह बहुत घबरा गया क्योंकि बेलोर ने क्या लिखा सुन लीजिए जरा, वह सर्टिफिकेट दिया है उसका, ही हैज बीन डायग्नोस्ड टू हैव गोचर डिजीज, ही नीड्स एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी फॉर द सेम व्हिच विल कॉस्ट अराउंड रुपीज 1.5 करोड़ पर ईयर। तो जब तक जीवित रहेगा 1.5 करोड़ रुपए का खर्च उसको करना है। मैं भी घबराया, भाई कौन सी बीमारी जो डॉक्टर ने लिख के दिया। मैं इंटरनेट में इसके बारे में अध्ययन किया, उसमें भी लिखे हुए थे कई लाख पाउंड खर्च करने पड़ते हैं पर साल। तो मैंने काफी अध्ययन किया। उसके बाद स्वामी जी, जब मैंने देखा कि आप तो रोज बताते रहते प्लेटलेट कैसे बढ़ेगा, लीवर कैसे ठीक होगा आदि आदि बातें, तो मैं उसका उसी लाइन पर ट्रीटमेंट किया। मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हारा आहार विहार क्या है, कैसे खाना पीना खाते हो, सब बताओ। उसने बताया जो बहुत चौंकाने वाली बात है, हर अभिभावक को इससे प्रेरणा लेना चाहिए। उसने बताया कि मैं सिर्फ 1 गिलास पानी ज्यादा से ज्यादा पर डे पीता हूं। दूसरी बात, 3 दिन के बाद मैं शौच जाता हूं, लेट्रिन जाता हूं 3 दिन। तो कैसे अभिभावक थे जिन्होंने ध्यान नहीं दिया उस बच्चे पर। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि जितने भी रोग हैं मूल कारण आहार विहार ही है, और उस बच्चे का रूटीन इतना अल्टर था, इतना खराब था कि मैं क्या बताऊं। मैंने पहले तो गार्जियन की काउंसलिंग की, फिर उस बच्चे की काउंसलिंग की। मैंने कहा बेटा पानी खूब पिया करो, कम से कम 8-10 गिलास। तुम्हारे पिताजी के पास उतने पैसे नहीं है, 1.5 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे। इन्होंने अपने कंपनी से बात की, कंपनी ने इनकार कर दिया, मैं उतना पैसा नहीं दे सकता। सर्टिफिकेट दिखा गया फिर भी कंपनी ने इनकार किया। तो उसके बाद मैंने आहार विहार बताया कि सुबह शाम 2 बार शौचालय जाना है, पानी 8-10 गिलास पीना है, और प्राणायाम मैंने विशेष रूप से उस बच्चे को बताया कि बेटा ऐसे ऐसे करो, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम। फिर उसने करना शुरू किया। मैंने दवाई के रूप में उसको एलोवेरा, गिलोय घनपट्टी, तुलसी घनपट्टी, लिव डी 38 सिरप, अरविंदाशव, चूंकि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी थी, अरविंदाशव, अजवाइन पाचक, गेहूं के जवारे, पपीता के पत्ते का रस, गोदन आदि का प्रयोग करवाया। 2 महीने के बाद उनके गार्जियन ने फोन किया कि बेटी मुझे अब कहीं नहीं जाना, बच्चा बिल्कुल ठीक हो रहा है। क्योंकि शुरू में उसके प्लेटलेट काउंट जो थे काफी कम थे, 82,000। उन्होंने कहा कि अब काउंट बढ़ना शुरू हो गया, 97,000, फिर 1,51,000। इस तरह धीरे धीरे वह बच्चा बिल्कुल ठीक हो, अब तो कहेगा ही नहीं कोई कि वही बच्चा है। इसलिए मुझे अब कहीं नहीं जाना, बच्चा बिल्कुल ठीक है। सारा डॉक्यूमेंट्स में बेलोर का भी और अपना भी सब इसमें लेते आया हूँ स्वामी जी। क्या गोचर? हाँ जी, गोचर डिजीज इस बीमारी का नाम है। बहुत बिरले यह डिजीज मिलता है, मुझे तो पता भी नहीं था। मैंने बाद में इसका अध्ययन किया, उनके सारे पेपर पर फिर उस बच्चे को नई नई बीमारी में बोलता रहा, तो अननोन डिजीज, गोचर भूमि तो सुनी थी हमने जहां गाय चरती थी। अब ये नई नई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आप लोग सिम्टम्स को देखें और वो सिम्टम्स कैसे दूर हो, उन वो सिम्टम्स जिस कारण से हैं उन कारणों का निवारण किया। एक तो सिम्टम्स को ऊपर से हील करना, कंट्रोल करना, एक सिम्टम्स जिस कारण से हैं तो उस सिस्टम को ठीक करना। तो हमारे वैद्य जी ने ऐसी बिरली बीमारी को ठीक किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद है वैद्य जी को। वीरेंद्र कुमार महतो, गोल ब्लैडर में इनका पॉलिप था, परेशान थे, पेट में एसिडिटी भी था, जलन काफी हो रहा था। तो लगभग 4 महीने के इलाज के बाद इनके भी पॉलिप खत्म हो गए। इलाज के रूप में मैंने इनको कालचनार गुगुल, वृद्धिवादिका, चूंकि पेट में जलन होता तो अभिपत्ति करचूर्ण, शंख कपर्दक, कामदुधारस, शिला सिंदूर, गिलोचर, ताम्रबष्प और अजवाइन पाचक का प्रयोग कराया। अंकुरित अनाज मैंने कहा, इनका भी मैंने रूटीन आहार विहार बताया, फिर ये बिल्कुल पॉलिप खत्म हो गया इनके। और तीसरे केस जो है फाइब्रॉइड का, फाइब्रॉइड को बहुत सारे केस मेरे ठीक हुए, लेकिन इसमें पूनम देवी चास भोजपुर कॉलोनी की,
इनके फाइब्रॉइड ये लगभग 7 महीने लगे ठीक होने में। इनके इलाज में मैंने प्रयोग किया कांजरा गुगुल, स्त्री रसायन, शिरा सिंदूर, गिलोयशत, अस्फटिक भस्म, कहरवा, वृद्धिवाधिकावटी, प्रवाल पिष्टी, शहद। इनके भी आहार, हमारे जो भी पेशेंट आते हैं सबको मैं पहले आहार बिहारी बताता हूँ, उनका पहले सुन लेता हूँ कि क्या कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हैं, फिर मैं उनको बताता हूँ। प्राणायाम व्यायाम हर अपने मरीजों को मैं बताता हूँ कि देखो ठीक होना हो तो पहले प्राणायाम करना ही होगा, नहीं तो ठीक होना बिल्कुल मुश्किल है। प्राणायाम व्यायाम करो, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। दीपेश कुमार का जो गोचर वाला डिजीज था उसमें 6 महीने लगे, लेकिन पहले ही 2 महीने से ही ठीक होना शुरू हो गया हुआ बच्चा। बहुत अच्छा। इसी क्रम में हमारे नेक्स्ट वैद्य शीतल गुप्ता थाने चिकित्सालय से। ओम आदरणीय स्वामी जी के चरणों में मेरा शशत नमन। मैं वैद्य शीतल सुभाष चंद्र गुप्ता डोंबिवली ईस्ट चिकित्सालय से हूँ। मैं विगत 5.5 वर्षों से इस चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दे रही हूँ और इस दौरान करीब 50 से 60 हज़ार तक पेशेंट मैं देख चुकी हूँ, जो कि इतने कम समय में कहीं अगर मैं रहती या अपनी प्रैक्टिस करती तो कभी नहीं कर पाती, शायद पूरे जीवन में भी नहीं इतने देख पाती। इस दौरान जो भी चिकित्साएं करी उसका पूरा श्रेय मैं पतंजलि से जो मिली ट्रेनिंग है उसको ही देती हूँ। जब मैंने आयुर्वेद ज्वाइन किया तो एक श्लोक मेरे दिमाग में हमेशा से रहा, जो कि अष्टांग हृदय का है कि आयुष कामाय मानिन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदित उपदेशु विधेय परमादरम। यानी कि हमें जो कि आयुर्वेद में लिखा है अगर हम उसको वैसे कि वैसे फॉलो करते हैं और अपने रोगियों से फॉलो करवाते हैं तो उस रोगी को ठीक होना ही होना है। उसी क्रम में जब मैं यहाँ आई तो आदरणीय अरुण पांडे जी सर जी ने जब हमें ट्रेनिंग दी तो उन्होंने बोला कि ये औषध दर्शन को आप लाइटली मत लेना, ऐसा मत समझना कि हमने तो इतना पढ़ा है और ये औषध दर्शन से हम डॉक्टर बन जाएंगे क्या। लेकिन अगर हम औषध दर्शन को फॉलो करके जब भी ट्रीटमेंट करते हैं तो सक्सेस हमेशा मिलती ही मिलती है। तभी स्वामी जी ने हमसे कहा कि आयुर्वेद सार संग्रह हर वैद्य के पास होना चाहिए और उसमें आपको भस्मों और औषधियों का अच्छे से ज्ञान होना ही चाहिए। आयुर्वेद सार संग्रह मैंने कई बार पढ़ी और उससे मुझे जो भस्मों का विशेष ज्ञान हुआ वो मेरे बहुत यूज में आया। ये एक स्मिता आठवले करके पेशेंट है जो कि 61 ईयर ओल्ड है। ये पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। ब्रेस्ट कैंसर के दौरान इनकी जो सर्जरी हुई, जो भी इनका कीमो ट्रीटमेंट हुआ, उन दवाइयों के साइड इफेक्ट से इनको लंग डिसीज हो गई। इनकी जो लंग्स को सप्लाई करने वाली आर्टरी है उसमें एम्बोली गई, उससे ब्लॉकेजेस हुआ और इनको इंटरस्टीशियल लंग डिसीज जो कि जनरली चेन स्मोकर्स को होती है वो डिसीज डेवलप हुई। लंग्स में फाइब्रोसिस के कारण इनकी एयरवे कैपेसिटी घट गई। ये पेशेंट इस कंडीशन पे थी कि 24 आवर बेड पे थी। इन्हें 1.5 लीटर ऑक्सीजन जो थी रोज ऑक्सीजन सिलेंडर से सप्लाई करनी पड़ती थी। जब ये पेशेंट हमारे यहाँ आए तो हमने इनको देख के इनके होम विजिट करी और उनको देख के उसके बाद में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू किया। क्योंकि ये एक एयरवे डिजीज थी तो और 24 आवर पेशेंट ऑक्सीजन पे था तो इनको जो ट्रीटमेंट दिया गया उसमें मैंने इनको अर्जुन, श्वासारिक्वात और कुछ कार्डियोटॉनिक्स जैसे कि हृदय अमृतवटी ये सब भी दिया। इससे पेशेंट का जो है एक से एक महीने में ये पेशेंट का ये हालत हुआ कि जो 24 आवर ऑक्सीजन पे था एक मिनट भी ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता था। ये पेशेंट अपने दिनचर्या के कार्य थोड़े बहुत करने लगे कि स्नान कर सकते, खाना खा सकते, मतलब पूरे दिन में कम से कम ये 1 से 2 घंटे बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर रही थी। इस दौरान पेशेंट का भी फेथ बढ़ा कि नहीं हम यही ट्रीटमेंट चालू रखते हैं। इस ट्रीटमेंट के दौरान 3 महीने में उनकी ऑक्सीजन जो है हमने धीरे धीरे कम करी और करीब 9 मंथ में ये पेशेंट विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर सर्वाइव कर रहा है। पहले ये पेशेंट जो था विद सिलेंडर इनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 92% आता था, यानी कि उनको 24 आवर जब ऑक्सीजन लगती थी तब जाके उनका जो हम ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते थे तब 92% आता था। अभी ये पेशेंट विदाउट ऑक्सीजन है और अपने घर से मेरे क्लिनिक तक आराम से पैदल चल के आते हैं और इनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 90% है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान लंग प्राणायाम का रहा है क्योंकि दवाई तो है लेकिन चूंकि लंग कैपेसिटी घटी थी तो इनके लिए प्राणायाम अत्यंत आवश्यक था।
उनको मैंने बहुत अच्छे से ये चीज समझाई कि देखो आपके ऑक्सीजन कम हो रही है शरीर में, इसलिए आपको श्वास होती है। ऑक्सीजन जब कम होती है तभी आपको दमा लगता है, श्वास होती है, तो आप ऑक्सीजन अच्छे से करें, इससे आपका रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बढ़ेगी। पेशेंट ने वही फॉलो किया, इसके साथ में स्पायरोमीटर के जो एक्सरसाइज होते हैं वो किए और आज ये पेशेंट पूरी तरीके से ठीक है। इसके बाद एक पेशेंट है, ये मिस्टर पराग पवार है, जो कि वेल एफ्लुएंट इंजीनियर है और इन्हें 2003 में मेम्ब्रेनो प्लोरीफ्लोरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस डिटेक्ट हुआ था। इसमें इनका जो क्रिएटिनिन था 1.2 था, लेकिन इनका जो यूरिन प्रोटीन था वो काफ़ी ज़्यादा था। इनको स्टीरॉइड पर डाला गया, लेकिन ये पेशेंट काफ़ी अवेयर थे आयुर्वेद और प्राणायाम के लिए, तो इन्होंने आस्था चैनल से देख के प्राणायाम और योगा शुरू किया। इन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया और सन 2006 तक इनका पूरा स्टीरॉइड बंद हो गए और ये पूरी तरीके से ठीक हो गए। इस दौरान ये इंग्लैंड गए और वहाँ उनको फिर से डिसीज हो गई। वहाँ पे इन्होंने इंग्लैंड में 2 साल ट्रीटमेंट कराया, लेकिन इनको कोई फायदा नहीं हुआ। वापस ये इंडिया आए, इंडिया आने के बाद इन्होंने हमारे यहाँ पतंजलि डोंबिवली में ट्रीटमेंट कराया और उनके मात्र 6 महीने में इनका जो प्रोटीन लॉस था वो घट के वापस सामान्य हो गया। ये पेशेंट फुल्ली जो है आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ही लेते हैं, प्राणायाम अच्छे से करते हैं और डाइट फॉलो करते हैं। इवन ये बॉम्बे के अच्छे से अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट को जब दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर जिस तरीके का आपका डिसीज है और जिस तरीके का आपका है, इसमें आप विदाउट स्टीरॉइड रह ही नहीं सकते, लेकिन आप शायद आयुर्वेद लेते हैं तो आपको वर्क करता है, तो आप वही ट्रीटमेंट फॉलो करो। तो ये पेशेंट केवल आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेते हैं और इस बात को उनके नेफ्रोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि आप ठीक है आयुर्वेद ही लो। प्रोटीन लॉस की काफी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम आजकल बहुत लोगों को हो रही है और ये छोटे बच्चों से ही शुरू हो जाता है। 3-5 साल के बच्चों को भी प्रोटीन लॉस की प्रॉब्लम होती है। उसमें एक तो कपालभाति प्राणायाम बहुत जरूरी होता है और साथ में क्या क्या दवाई दी बेटा? स्वामी जी इनको सर्वकल्प क्वाथ दिया और वृक्क दोषहर क्वाथ, ये कंटिन्यू ये हमेशा लेते हैं, चाहे दूसरी भस्म वगैरह बंद कर दे पर ये तो ये कंटिन्यू लेते हैं। इसके साथ में वृक्क दोषहर वटी गोक्षुरादि गुगल पुनर्नवा मंडूर, ये 3 दवाई दी गई और जो भस्म का कॉम्बिनेशन है उसमें यजरल रहुत भस्म और गिलोय सत्व और अश्मरी हर जो योग है उसका जो कॉम्बिनेशन का 10 ग्राम डाल के कॉम्बिनेशन बना के 60 दिन के लिए देते हैं। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। इसके साथ में कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि डायबिटिक फूट अल्सर जो कि सर्जिकल डिपार्टमेंट में माने जाते हैं और बोलते हैं कि बिना एंटीबायोटिक हम कोई घाव क्योर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे जो केसेस आते हैं जिनमें कि 10-10 साल से जिनके कि डायबिटिक फूट है जो जिनके वो ठीक नहीं हो रहे हैं, उनको अगर हम यहाँ आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करते तो वो भी क्योर होते। मेरे पास एक केस है, वो 72 ईयर ओल्ड पेशेंट का है जिसका कि 10 साल से डायबिटिक फूट हुआ था और अबाउट टू एम्पुटेशन था। उस पेशेंट को कहीं से भी कुछ आराम नहीं था, वो हर 6 महीने में उसकी एंटीबायोटिक बदली जाती लेकिन उसके पैर का घाव ठीक नहीं हो रहा था। जब पतंजलि में वो आए तो हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उनको कायाकल्प और गिलोय का काढ़ा दिया, इसके साथ में सप्तविंशति गुगल और चंद्रप्रभा वटी और त्रिफला गुगल दिया और लगाने के लिए कायाकल्प तेल दिया। उनका जो घाव था जो कि आज इतने साल से ठीक नहीं हो रहा था, मात्र 3 या 4 महीने की चिकित्सा में पूर्णतः ठीक हो गया। धन्यवाद स्वामी। नेक्स्ट वैद्य प्रजापति हेतक बहन आएंगी पाटन चिकित्सालय से। स्वामी जी के चरणों में सत सत प्रणाम। मैं वैद्या प्रजापति हेतल उत्तर गुजरात के पाटन जिले से हूँ। गुरुजी मैं पिछले 5 साल से पतंजलि चिकित्सालय में सेवा दे रही हूँ। मैंने योग डिप्लोमा भी किया हुआ है पाटन उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी हेमचंद्राचार्य यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी फर्स्ट हूँ। साथ में चिकित्सालय के साथ में मैं योग शिविर भी ले रही हूँ। अभी भी मैंने पाटन के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस परीक्षिता राठौड़ जी और उनके अधीक्षक श्री की शिविर लिए हैं, उनके फोटोग्राफ भी मैंने सबमिट किए हैं। अभी मैं एक पेशेंट का 5 साल से है मेरा, प्रजापति महेश भाई, जिनको हिपेटाइटिस बी वायरस पॉजिटिव था। वो पिछले मेरे पास आए उससे उसके पिछले 2 साल से एलोपैथी दवाई ले रहे थे। उनको क्रॉनिक पैंक्रियाटिक डिजीज था, स्प्लेनोमेगेली था, पूरा कोलिसिस्टिक एडिमा था, एसआईटिस भी था। वो पूरा सांस चल नहीं पा रहे थे। आफ्टर दैट हमारी ट्रीटमेंट लिया उनका और उनका जब मेरे पास आया तब उनका वायरस लोड था
144,127 था। जब हमने सर गुरुजी उनकी ट्रीटमेंट की तब उनका 3 महीने के बाद उनका वायरस लोड हो गया बिलो 20 और वो ठीक होने के बाद उनका इमिग्रेशन वीजा हुआ था, वो चले गए यूएस। उन्होंने 2 साल तो अच्छा रहा पर वहाँ का खान पान, वहाँ का टेंशन लोड, फिर से वायरस लोड बढ़ा था, करीबन 3,184 आया था। फिर से वहाँ पे ट्रीटमेंट किया, अच्छा नहीं हुआ, फिर से वापस मेरे पास आए, बोला कि बाबा जी की दवाई से मुझे उद्धार नहीं होगा। फिर वो आए, फिर ट्रीटमेंट की, अभी उनका वायरस लोड बिलो 34 हो गया है। एक और पेशेंट है गुरुजी, उनको सोरायसिस था, वो पिछले 10 साल से एलोपैथी दवाई ले रहे थे, स्टीरोइड ले लेके उनका शरीर इतना कमजोर हो गया था, वो चल नहीं पा रहे थे। और जब मेरे पास लास्ट में तो वो डॉक्टर के पास पूरा बोल के आए कि अभी आपकी ट्रीटमेंट से फायदा नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हो आप। हमारी दवाई लेने से मैंने पूरा फोटोग्राफ भी सबमिशन किया है, एकदम से ठीक हो रहा है और पिछले 5 साल से मैं उनका चेकअप कर रही हूँ, कभी भी उनको रिकरेंट नहीं हुआ है सर। धन्यवाद। इस हेतल बहन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये रेगुलर योग की क्लास लेती है और अपने जिले के डीएम एसपी से लेकर के वहाँ के सामान्य लोगों से लेकर के स्कूल कॉलेज से लेकर के जिले तहसील से लेकर के जहाँ भी इसको अवसर मिलता है तो कंटिन्यू योग की क्लास लेती है, उससे बीमार ना हो देश के लोग उसके लिए एक आदर्श काम कर रही है। ये हमारा मूल काम है, है? तो प्रजापति हेतल भरत भाई बहन, वहाँ पति का नाम पीछे लगाते हैं तो ये एक परंपरा है वहाँ, तो जिस तरह से हेतल काम कर रही है मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसे ही सब भाई बहन काम करेंगे तो दो काम एक साथ होंगे, एक तरफ लोगों को हम बीमार होने से बचाएंगे और दूसरी तरफ आयुर्वेद का प्रचार करने के लिए हमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा योग की कक्षाओं के माध्यम से, जिसमें हम लोगों को ये बता सकेंगे कि आयुर्वेद की शक्ति क्या है, आयुर्वेद की साइंस क्या है, आयुर्वेद की प्रिंसिपल्स क्या हैं और आयुर्वेद को उपयोग क्यों करना चाहिए। तो लोगों को हमें मोड़ना है ना, तो क्योंकि अभी उनके पास तो इतना बड़ा साम्राज्य है, एलोपैथी वालों के पास लाखों करोड़ के बजट हैं, उनके पास में लाखों करोड़ के हॉस्पिटल है, लाखों उनके पास में पैसे वाले डॉक्टर हैं, पैसे वाले हॉस्पिटल हैं, पैसे वाली दवाइयां हैं और उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं इतने ज़्यादा, मैंने पूरी तरह से कब्जा करके बैठे हैं, पूरी दुनिया में एक तंत्र फैला करके बैठे हैं। तो ये आदर्श के रूप में जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आप भी योग कीजिए और औरों को कराइए। बहन एतल का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और खुद भी अच्छे रहिए। देखो कितना उत्साह वाली है, अभी बेटी कहाँ है, तो 9 मंथ की प्रेगनेंसी थी उस दौरान भी क्लासेस लेती थी, आप सोचिए कितना उत्साह। तो आप में उत्साह रहना चाहिए और तब भी सेवा करती थी चिकित्सालय में। ये तो हेतल ने जो है ऐसे ही कर दिया जैसे पहले माताएं बहनें जो है प्रेगनेंसी के दौरान घर परिवार खेत का काम करती थी और आजकल वाली 9 महीने तो बेड रेस्ट। हमारे वहां एक बाबा जी थे उनका नाम खेतानाथ, मैंने कहा खेतानाथ कैसे, बोले खेत में पैदा हो गया और एक भी एलोपैथी दवाई नहीं खाई। 9 महीने तक प्रेगनेंसी के दौरान भी काम करती रही तो काम करने से बच्चा भी स्वस्थ पैदा होता है और जो आलस्य में पड़ी रहती है उनके बच्चे भी फिर एकदम निकम्मे पैदा होते हैं, क्योंकि मां भी पड़ी हुई है तो बच्चे भी ऐसे पड़े पड़े पैदा हुए, तो आलस्य का संस्कार आ गया तो अकर्मण्यता कोख से ही। और गुड़िया का क्या नाम है, हितांशी। अब वो हितांशी जीवन में प्रमादी हो ही नहीं सकती क्योंकि उसने जन्म से ही जो है पुरुषार्थ का पाठ पढ़ा है मां से। बहुत आशीर्वाद। नेक्स्ट वैद्य आ रही हैं वैशाली सोलन की, बड़ोदरा चिकित्सालय से। स्वामी जी ओम। मैं वैद्य वैशाली दिनेश चंद्र सोलंकी पतंजलि बरोड़ा से, और पतंजलि चिकित्सालय में मैं 7 साल से जुड़ी हुई, मैं बरोड़ा सेंटर में सेवा दे रही हूँ। और स्वामी जी मेरे एक पेशेंट है जो 70 ईयर्स ओल्ड है, जो दिलीप भाई व्यास करके है और हैंडीकैप पेशेंट है।
तो पतंजलि चिकित्सालय में 2013 में आए थे जब वो, और तभी उनका बोन मेरो टेस्ट हुआ था, तो उसमें डिटेक्ट हुआ था क्रॉनिक लिम्फोसिस्ट ल्यूकेमिया स्टेज 3, और जो ब्लड कैंसर में गिना जाता है। और तभी वहाँ के जो स्टर्लिंग हॉस्पिटल वालों ने, जब भी डॉक्टर ने बता दिया था कि अभी आप घर पे लेके जाओ, जितना दिन जिए उनको सेवा करो, सेवा करो। और तभी जो व्हील चेयर में लेके उनके जो सगे वाले थे, जब वो लेके आए, और तभी उन्होंने बताया कि मैडम अभी हमें तो पतंजलि का ही उम्मीद है, अभी यहाँ से ही हम जो करेंगे यहाँ से ही अभी करेंगे, और योगा प्राणायाम भी वो हर रोज करते हैं। तभी का उनका जो CBC रिपोर्ट था 14 मई 2013 में, तभी उनका हीमोग्लोबिन 9.2 था, WBC 5 लाख था, 5 लाख, तभी 89,490 था, और प्लेटलेट काउंट था 1,75,000। तभी जो शुरुआत से उनका चिकित्सा शुरू हुआ है, उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट करवाया 14 मई को, तभी उनका WBC हुआ 3 लाख, और उसके बाद अभी उनका जो 2014 में अप्रैल में रिपोर्ट करवाया, तभी उनका हीमोग्लोबिन 10 हुआ, प्लेटलेट 3 लाख हुआ, और WBC उनका 1 लाख हुआ। उसके बाद अभी जो नवंबर का रिपोर्ट है, लास्ट उनका 25 नवंबर का है, उसमें हीमोग्लोबिन जो है वो 10.5 है, और WBC अभी उनका 90,000 है, और प्लेटलेट भी उनका 2.50 लाख है। अभी ट्रीटमेंट चल रही है उनकी, दवाइयाँ अच्छे से ले रहे, योगा प्राणायाम कर रहे। जब भी आप बड़ौदा शिविर में आए थे, तभी वो आने वाले थे कि स्वामी जी को मैं प्रणाम करने के लिए जाना है, लेकिन वहाँ पे वो व्हील चेयर लेके सब घूमना उनको आसान नहीं था, इसके लिए उन्होंने ये रिपोर्ट लेके यहाँ पे आपके चरणों में भेजा है। ओम सर। इसी क्रम में हमारे वैद्य उमेश शुक्ला जी उज्जैन चिकित्सालय से। परम पूज्य स्वामी जी को सत सत प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी, मैं रिपोर्ट्स बहुत लाया था, मैं पतंजलि चिकित्सालय उज्जैन में पिछले 7 सालों से कार्य कर रहा हूँ एक ही सेंटर पर, और अभी तक मैंने 1,15,000 मरीज देखे हैं, और उन 1,15,000 मरीजों में हजारों हजारों लोग ठीक हुए। समय समय पर पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में उनके डॉक्यूमेंट मैं भेजता रहा हूँ। स्वामी जी, मैं प्रमुख रूप से 3 बातें कहना चाह रहा हूँ एक मरीज के संबंध में। एक मेरे मरीज थे मिस्टर राहुल जी उज्जैन के, उनकी उम्र 30 वर्ष थी। 30 वर्ष की उम्र में, जब 25 साल के तब उनकी शादी हुई, और जब 30 साल तक उन्हें बच्चे नहीं हुए तो वो मेरे पास आए। मैंने उनकी और उनकी वाइफ की कुछ जांच कराई, वाइफ की रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी, उनको ऑलिगोस्पर्मिया का प्रॉब्लम था। जब मेरे पास आए तब उनका स्पर्म काउंट 15 मिलियन था, जो कि नॉर्मल 60 मिलियन होता है, और पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में जो भी चिकित्सा प्रणाली हमें बताई गई और जो औषधियां हमें दी गई, जैसे बसंत कुसुमाकर, त्रिवंग, अश्वगंधा चूर्ण, श्वेत मूसली, मकरध्वज, प्रवाल पिष्टी, इनको एक पुड़िया में 40 पुड़िया 20 दिन के लिए, जिसमें अश्वगंधा 57, श्वेत मूसली 50-50 ग्राम, साथ में यमुना मैथवटी और शिलाजीत कैप्सूल, साथ में कपाल भांति अनुलोम विलोम 15 मिनट, ऐसा कराने पर सिर्फ 2 महीनों में उसका स्पर्म काउंट 60 मिलियन मेरे पास रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट मैंने दोबारा फिर से एक पैथोलॉजी में कराई कि मैं देखूं सही है कि नहीं, जो कि उज्जैन की सबसे अच्छी पैथोलॉजी थी, नागर पैथोलॉजी। जब देखा उसमें भी 60 मिलियन था। आज वो मरीज अभी चूंकि ये लास्ट का मरीज था, अब मैं उसको आगे का फॉलोअप ले रहा हूँ मरीज का, आगे मैं अवगत कराऊंगा। परंतु स्वामी जी, एक दूसरी बात मैं और कहना चाह रहा था कि मैं 2011 में आपके यहाँ पर आया हुआ था, जब मीटिंग में मैंने बताया था मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और मैंने उसका नाम भी ओम रखा है, आज वो 4 साल का हो गया। मैंने उस समय आपको एक बात कही थी कि गर्भावस्था के समय में भी मैंने
माँ पे जो आयुर्वेदिक जो दृष्टिकोण है उनको अपनाया था, आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से उनका मैंने रहन सहन आचार विहार और विचार जितना भी होता है सब किया। बच्चा के 6 महीने के बाद से ही मैंने उसको गिलोय, थोड़ा बहुत आंवला, सीतोपलादी, त्रिकटु, शंख पुष्पी ऐसी चीजें मैं उसको समय समय पर सीजन के हिसाब से देता रहा। परम पूज्य स्वामी जी 4 साल हो गया, अब मेरे बच्चे ने एंटीबायोटिक का स्वाद नहीं चखा है। वो बात की बात है कि कभी कफ कोल्ड हो जाए, कभी कुछ खाने में आ जाए तो उसको थोड़ा सर्दी खांसी हो जाए, लेकिन अभी तक मैं जो मेरा एलोपैथिक हमारे डॉक्टर राठी हैं उनको दिखाता हूँ, कहते भी हैं कि भैया आप तो बाबा रामदेव जी के शिष्य, उनको कहाँ से कुछ हो।